आंखें भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी सांसों में, खुशबू छाने लगी से कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अब तक आपने देखा सलिल अर्जुन को खुशखबरी देता है कि उसकी शादी पक्की हो गई है। ये सुनकर अर्जुन अचानक अजीब सा महसूस करता है। मेहंदी की रस्म के बीच पूर्वी एक बार फिर हरि प्रसाद को उसका वादा याद दिलाती है। जिंदगी भी जीऊंगी, मेहंदी भी लगवाऊंगी, अगर आप अपना इलाज शुरू करवाएंगे तो। आरोही बड़ी माँ को फोन करके मेहंदी की रस्म के बारे में बताती है और कहती है कि उनकी कमी सभी को महसूस हो रही है। छुट्टी लेने के बावजूद अर्जुन आरोही को ऑफिस में बुलाता है, पर आरोही के सामने अपना ये गुस्सा कि वो सलील से शादी कर रही है छुपा नहीं पाता। अब देखिए आगे। अर्जुन तू कब आया? पहले बता कि मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? अरे ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? चल जल्दी से तैयार हो जा। आज मेरी सगाई है यार, और आज के दिन मैं लेट नहीं होना चाहता। आखिरकार वो वहां मेरा इंतजार कर रही होगी। सगाई तो शाम की है ना, और तू दोपहर को ही बोल रहा है कि तू लेट नहीं होना चाहता। अरे ड्रेस रिहर्सल भी तो करनी है ना। देख सलील, अभी भी वक्त है, संभल जा। जहां तक मैं जानता हूं उस लड़की को, वो इतनी भी अच्छी नहीं है। ओ रियली? तो आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं, जरा हमें खुलकर बताएंगे जनाब? अब मुझे लगता है वो थोड़ी सी नकचड़ी है, किसी को खुश नहीं रख सकती वो। पता नहीं क्या समझती है अपने आपको। कौन? तेरी होने वाली पत्नी। ओके। मैंने सोचा तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। तुम भी तो ऐसे ही हो ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सलील। तो मैं भी कहाँ मजाक कर रहा हूँ यार, मैं भी तो सगाई कर रहा हूँ ना। अरे कम से कम आज के दिन तो खुश हो जाना। तू समझता क्यों नहीं है सलील, तू बहुत बड़ी भूल करने जा रहा है। अरे पहले भूल तो करने दे यार, बात की बाद में सोचेंगे। चल एक बार मेरे लिए मुस्कुरा दे, प्लीज मुस्कुरा दे। मैं तेरे लिए दुखी हूँ सलील, तेरे दुख में हंसना नहीं चाहता। काश मेरे दोस्त आज मुझे वो फरिश्ता मिल जाता जिसने तुझे मुस्कुराना सिखाया, तो उससे पूछता कि ऐसी कौन सी जादू की झप्पी दी थी उसने तुझे। आई होप कि उसे ये अंगूठी पसंद आएगी। और ये पत्तियां अलग अलग कर, और ये लड़ी जल्दी लटका दे, और ये सुन ये रसोई में रखता ना मिठाई के डब्बे। हाँ देखिए आ गए, फूल आ गए, मिठाइयाँ आ गई, सब कुछ आ गया। हरि प्रसाद वो तेरी लिस्ट है ना। बाबा मैं सगाई के लिए आपको ये वाला कुर्ता निकाला है, अच्छा है ना? सारी तैयारियां तो हो गई है, फिर आप
दीदी मैंने तो सोचा था कि 50-60 मेहमान आएंगे, उन्हीं के लिए इंतजाम किया था मैंने तो। अब पता चला है कि 200-250 लोग आएंगे, अब एन वक्त पर मैं इतने लोगों के लिए कहां से इंतजाम करूं? हरिप्रसाद जी। जी कहिए। जी हम फाइन डाइन कंट्री की तरफ से आए हैं, आज शाम की फंक्शन का ऑर्डर हमें मिला है। लेकिन बेटा हमने तो इसी कैटरिंग वाले को ऑर्डर नहीं दिया। हमें ये लेटर मिला है, ऑर्डर का कंफर्मेशन है। किसका लेटर है बाबा? ये तुम्हारी बड़ी माँ भी मदद किए बिना मानती नहीं। इस बार ये बहाना है कि ये पूर्वी की सगाई में उनका उपहार है। जाओ जाकर के बता दो पूर्वी को। भगवान जी, सुना है आसमान से दुआएं बरसती हैं, अतीत की यादें नहीं। आप प्लीज पूर्वी दी के दामन में इतनी खुशियां भर दो कि उनका दामन कम पड़ जाए पर खुशियां ना कम पड़े। अगर मेरी शक्ल पसंद है तो बार बार ऊपर क्यों देख रहा है? आज भी डिक्टेशन लिखवाएगा क्या? देखो मैं कितने फूल लाई हूँ। आप भी गजरे बनाओ ना दी, कितने सारे बनाने हैं हमें। हाँ हाँ बनाऊंगी ना, इतने गजरे बनाऊंगी मैं कि चारों तरफ बस फूल ही फूल नजर आएंगे। सुन अंतरा, तेरे सलील जीजू के साथ और भी हैंडसम लड़के आएंगे ना भाई? आ रहे उनकी फैमिली से 3 लड़के आ रहे, द फेमस अर्जुन पुंज, निखिल और हमारे सलील जीजू। पता है दी, बाबा कह रहे थे कि जीजू की जो बहन है नताशा और उनके भाई अमन, वो सगाई में नहीं आ रहे पर शादी में जरूर आएंगे। चल ये बता, तुम सब सालियों ने अपने होने वाले जीजू को छेड़ने के लिए क्या प्लान बनाया? पता नहीं मेरी 3-3 सालियों ने वहाँ पर मेरे लिए क्या क्या प्लानिंग करके रखी होगी। यार मुझे ना थोड़ी सी घबराहट हो रही है। आप अपनी सालियों को हैंडल करना, हम उनकी फ्रेंड्स को हैंडल करेंगे। क्यों अर्जुन? ओह सॉरी, गलत आदमी से पूछ लिया। वो यार लड़के वाले आ गए यार। अरे
ये लोग आ गए तो जीजू भी आ गए होंगे ना? हाँ, और जीजू के साथ वाले लड़के भी। तुम लोग पूछ रहे थे ना कि प्लान क्या है, चलो मेरे साथ। देखो कितने एटीट्यूड से एंटर कर रहे हैं। ये वही अकड़ू है ना, आरोही दी का बॉस अर्जुन पुंज, जो कभी हंसता ही नहीं है। अरे हाँ, वही खड़ूस है ये अर्जुन पुंज जिसे आरोही दी ने थप्पड़ मार दिया था। मैंने तो सुना था शादी वाले दिन लड़कियों की परेड होती है, और यहाँ तो मामला ही गड़बड़ा यार। देखो उन लड़कियों को कैसे घूर रही है हमें, जैसे हमारा डिस्प्ले लगाऊ। लेकिन मैंने तो ये सुना था कि यह अत्याचार सिर्फ लड़कियों के ऊपर होता है, लड़कियां जिस गली से भी गुजरती है लड़के उन्हें देखकर सीटी मारते हैं। लेकिन देखो आज जमाना कितना चेंज हो गया है, आजकल लड़कियां लड़कों की बैंड बजाती हैं। कितना अच्छा होता अगर मर्दों पे ऐसा अत्याचार रोज होता। Disgusting. सड़ू भी ना सड़ू ही रहेगा, मेरे खाए का जवाब नहीं दे सकता। पता नहीं किस खड़ी पैदा हुआ था ये एंग्री यंग मैन। अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं तो बार बार ऊपर क्यों देख रहा है? आज भी डिक्टेशन लिखवाएगा क्या? मैं आपको अंगूठी दिखाने के लिए लाया था जी, दिखाइए ना।
क्या देख रहा है? वो मैं खिड़की देख रहा था मैं। हाँ, लोगों के घरों में खिड़कियां होती है, इसमें नया क्या है? कुछ नहीं, वो मैं देख रहा था, खिड़की खुली है। हाँ, खुली खिड़की। नमस्ते होने वाले जीजा जी। किसे ढूंढ रहे हो? एक्चुअली मैं उनसे सिर्फ 5 मिनट मिलना चाहता हूँ। हाँ, एक्चुअली ये अंगूठी मैं उन्हें दिखाना चाहता था। सर, तुझे नहीं लगता कि ये सब बहाने कुछ ज्यादा ही पुराने हो गए? आपको क्या लगता है दी, मिलाने ले चले ना? ले चले, ले चलते हैं ना। चलिए आपको आपकी होने वाली पत्नी से मिलाते हैं। जीजा जी, कम ऑन। जीजा जी, आपको क्या हुआ? सगाई तो उनकी हो रही है ना, और जिसकी सगाई होती है उसकी बैंड बजती है, लेकिन बाकी सब तो एंजॉय करते हैं ना। आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हैंडसम? छोटी हो या बड़ी, लड़कियों की एक और बुरी आदत है, बिना किसी रीजन के हंसती रहती हैं। अरे जीजू, शर्माती तो लड़कियां हैं, आप क्यों शर्मा रहे हो? जी वो मैं जी बोलिए ना। मैं आपको अंगूठी दिखाने के लिए लाया था। जी दिखाइए ना। अच्छी है, पर अगर ये हीरा थोड़ा बड़ा होता तो और भी अच्छी होती। आप इसे अभी पहन लीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए बड़े हीरे वाली अंगूठी ले आऊंगा। ये लड़की तेरी दौलत के पीछे पड़ी है बेवकूफ, और तुझे पता भी नहीं लग रहा है, लूटेगी उसको। जी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि क्या आप मुझे एक बार अपना चेहरा दिखा सकती है? अर्जुन, क्या हुआ? तू बहुत अपसेट लग रहा है। डैड, कभी ऐसा भी होता है, कोई इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं होता, उसे नफरत करते हैं आप, और एक दिन ऐसा आता है कि वो इंसान आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला होता है, पर आपको
आपको बुरा लगने लगता है। दिमाग कहता है जाना है तो जाए, लेकिन दिल कहता है कहीं ना जाए। अब आप भी समझाइए डैड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है अर्जुन कि आखिर वो एक दिन आ ही गया जो आपको उठा भी सकता है और आपको गिरा भी सकता है। जिंदगी में अगर उठना है तो अपने दिमाग की सुनो, क्योंकि दिल तो इमोशंस में बहाकर गिरा देता है। लोग चले जाते हैं, इमोशंस भी चले जाते हैं, पर जिसे गिरा जाती है उसे फिर पूरी जिंदगी लग जाती है अर्जुन। इसलिए इट्स बेटर अपने दिमाग की सुनो। Have fun. I think you're right, Dad. दिल की नहीं, दिमाग की सुनो, क्योंकि इमोशंस इमोशंस आज हैं, कल नहीं। लोग चले जाते हैं, इमोशंस भी चले जाते हैं। समझा मुझे।